मला असं वाटतं की एक्झॅक्टली उलट ह्या शोच्या बाबतीत आहे. इथे एक गिव अँड टेक आहे. समोर टेलिव्हिजन आहे, तिथे काहीतरी चाललंय आणि मी त्याला रिस्पॉन्ड करतोय, मी त्याची उत्तर शोधायचा प्रयत्न करतोय, मी माझ्या शेजारच्या व्यक्तीशी भांडतोय, उत्तर बरोबरला तर मी एकमेकांना टाळ्या देतोय, ती रक्कम जोडून मीच जिंकली आहे असं मला कुठेतरी वाटत राहतं. ये एक क्विज शो है हाय टेंशन नाम का, और जैसा कि इसका नाम है हाई टेंशन, ये इसका जो फॉर्मेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है. और इसमें 5 राउंड्स हैं, 3 हिस्सों में 5 राउंड्स हैं, और जैसे जैसे ये राउंड्स आगे बढ़ते जाते हैं तो उसका जो टेंशन है वो बढ़ता जाता है, और इसीलिए इसका नाम हाई टेंशन है. कुल 42 प्रश्न जो हैं वो इसमें पूछे जाएंगे, और इसमें पैसों का भी मतलब खेल है ये, कि आपको एक जो कुछ पैसे हैं वो आप कमाते हैं और फिर वो आपको उसको मतलब उस उन वो जो पैसे हैं उसको आपको आपके हाथ में रखना पड़ेगा, इसलिए आपको जो आंसर्स हैं वो ठीक से देने पड़ेंगे अगले 2 राउंड्स में. तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जीत लिए तो आप उसे घर ले जा पाएंगे. तो इसलिए ये जो फॉर्मेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और एक तो ये तो मतलब ये खेल की बात होगी, लेकिन अंदरूनी इसका जो हिस्सा है वो मुझे लगता है कि जानकारी जो है वो हमें काफ़ी इस शो के ज़रिए मिल जाएगी, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हमारी जो गली है, हमारा जो शहर है, हमारा जो देश है, हमारा जो मतलब जिस दुनिया में हम जो रहते हैं, काफ़ी कम जानकारी हमें होती है काफ़ी सारी चीज़ों में. तो इस शो के ज़रिए हम ये जानकारी भी ले पाएंगे, लेकिन एक मनोरंजन जो है उसके साथ ये जानकारी हमें मिलेगी. एक बार अगर हाँ कर देता हूँ तो फिर पूरी तरह से उसमें होना ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ हो, फिल्म हो या टेलीविज़न एंकरिंग हो. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है हमेशा, लेकिन इन्होंने मतलब एक DVD जो एक ओरिजिनल शो है वो इटली में काफ़ी फेमस है ये शो, और इंग्लैंड में काफ़ी फेमस है. तो उसकी जो DVDs हैं वो मैंने देखी, उसका जो फॉर्मेट है वो समझने की कोशिश की, क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर जब हम मराठी में कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए. तो इन सब के बारे में सोच के मुझे ये लगा कि नहीं, ये काफ़ी मतलब मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए. चीज़ें एक दूसरे के काफ़ी करीब होती हैं, और किसी को भी ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अलग कुछ कर रहा हूँ, और मैं वो क्लेम मैं भी नहीं करूँगा कि ये कुछ बहुत अलग है. ये क्विज शो है, इसमें सवाल होंगे, इसमें जवाब होंगे, तो ये तो आप बदल नहीं सकते. तो हाँ, ये ज़रूर है कि इसका फॉर्मेट जो है वो अलग है. ऐसा फॉर्मेट मतलब हमारे देश में इस फॉर्मेट में क्विज शो नहीं हुआ है. क्विज शोज काफ़ी सारे हुए हैं, तो ये फॉर्मेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बाकी रही बात कंपैरिजन की, तो मुझे लगता है कि वो हम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि एक रीजनल टेलीविज़न होता है, रीजनल फिल्म होती है, तो उसे कंपेयर करना ठीक बात नहीं है.